दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सीटें जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे छात्रों का वेट खत्म होता हुआ अभी CBSE ने 2022 के जुलाई नोटिफिकेशन पर काफ़ी बड़ी खुशखबरी दे दी है। जितने भी हमारे छात्र सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन का एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे उनका वेट खत्म होता हुआ आप सभी लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी गई। पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में ऑफिशियल अपडेट बताई जाएगी। सीटेट 2022 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली, तो अंत तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे भी आपको सबसे पहले बिल्कुल सटीक अपडेट पहुँचाया जा सके। सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन का वेट कर रहे छात्रों का वेट खत्म होता हुआ अभी CBSE ने आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की अनाउंसमेंट कर दी है। सेकेंडरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज गोइंग टू रिलीज सीटेट 2022 नोटिफिकेशन। आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो चुके हैं। आपको बता दें ऑफिशियल नोटिस CBSE के अधिकारियों ने जारी कर दिया। अब आप सभी के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है CTET.NIC.IN पर आप सभी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट अभी CBSE बोर्ड के अधिकारियों ने कर दिया। आपको बता दें आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन अब 10 मई से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी के एग्जाम डेट भी आ चुकी है। सीटेट 2022 के एग्जाम आप सभी के 5 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये एग्ज़ाम आप सभी के 15 से 20 दिन चलेंगे। एग्ज़ाम आप सभी के जो मोड है वो आपका ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी के सीटेट के इस बार 2022 में होंगे और साथ ही साथ इस बार भी छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा। आप लोगों को अगर हार्ड शिफ्ट में पेपर देने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आप लोगों के 10 से 15 मार्क्स तक ही बढ़ाए जा सकते हैं। आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का ऐलान होता हुआ CTET का नोटिफिकेशन का वेट खत्म होता हुआ आप सभी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 मई तक ही ऑफिशियल साइट पर आप जारी कर दिए जाएंगे लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और आप लोगों के एग्जाम भी 5 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इस बार CTET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में काफ़ी सारे चेंजमेंट भी किए जाएंगे। कोरोना के कारण आप सभी का कोविड का सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है और साथ ही साथ अन्य कई चेंजमेंट भी किए जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार CTET के एग्जाम जितने भी छात्र देंगे इनका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य हो जाएगा, तो इस बार काफ़ी सारे चेंजमेंट भी CTET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किए जा सकते हैं।